हेलो एवरीवन, मैं दिशा चतुर्वेदी एक बार फिर से हूँ आप सबके साथ। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी एचआर सप्लाई फोरकास्टिंग एंड उसकी डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले स्टडी एचआरएम बाय दिशा चतुर्वेदी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियोज़ आपको टाइमली मिल सकें। वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक करें, और जो भी सजेशन हो इस चैनल को इम्प्रूव करने के लिए प्लीज़ उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, जिससे कि ये चैनल आप लोगों के लिए और भी फ्रूटफुल साबित हो सके। ह्यूमन रिसोर्स की सप्लाई की फोरकास्टिंग से मतलब है कि फ्यूचर टाइम पीरियड में जो अवेलेबिलिटी होगी ह्यूमन रिसोर्स की, उसका पता करना एचआर सप्लाई फोरकास्टिंग कहलाता है। ये डिमांड फोरकास्टिंग के बाद की प्रोसेस है। जब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है तो सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स की डिमांड को फोरकास्ट किया जाता है, और उसके बाद में ह्यूमन रिसोर्स की अवेलेबिलिटी को यानी कि सप्लाई को फोरकास्ट किया जाता है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एचआर डिमांड फोरकास्टिंग के बारे में और उसकी डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में डिस्कस किया है, और आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई फोरकास्टिंग और उसकी डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में। ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई फोरकास्टिंग वो प्रोसेस है जिसमें कि नियर फ्यूचर में जो ह्यूमन रिसोर्स की अवेलेबिलिटी होगी कंपनी में, उसका अंदाज़ा लगाया जाता है, उसको फोरकास्ट किया जाता है। ह्यूमन रिसोर्स की सप्लाई को फोरकास्ट करने के लिए हमको दो बातों का ध्यान देना होता है। एक तो जो कंपनी में इंटरनल सप्लाई होगी उसको ध्यान में रखा जाता है, एज़ वेल एज़ कंपनी में जो एक्सटर्नल सप्लाई होगी उसको ध्यान में रखते हैं। इंटरनल सप्लाई से हमारा मतलब है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही एम्प्लॉय सप्लाई किए होते हैं, लाइक जब किसी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय ट्रांसफ़र के थ्रू जाता है या प्रमोशन के थ्रू जाता है, या जब कोई एम्प्लॉय रिटायर होता है तो सप्लाई में कमी आती है, और जब हम रिकॉल कर लेते हैं लेड ऑफ एम्प्लॉयज़ को तो सप्लाई बढ़ जाती है। इस तरीके से ये इंटरनल सप्लाई के सोर्स हैं। जबकि एक्सटर्नल जो सप्लाई होती है वो ओपन मार्केट से जो सप्लाई होती है उसको एक्सटर्नल सप्लाई कहते हैं, और न्यू रिक्रूटमेंट भी एक्सटर्नल सप्लाई के अंतर्गत ही आते हैं। एग्जांपल है जैसे कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, एम्प्लॉय रेफरल्स एंड डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। डिफरेंट फैक्टर्स एक्सटर्नल सप्लाई पर इफ़ेक्ट डालते हैं, जो कि हैं सप्लाई एंड डिमांड ऑफ जॉब। जॉब की सप्लाई और डिमांड के अकॉर्डिंग एक्सटर्नल सप्लाई प्रभावित होती है। रेट ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का जो रेट होता है, पॉपुलेशन की ग्रोथ के अकॉर्डिंग सप्लाई प्रभावित होती है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट प्रभावित करते हैं। लिटरेसी रेट ऑफ नेशन प्रभावित करता है। इंडस्ट्री एंड एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट, अगर इंडस्ट्री में ग्रोथ रेट अच्छा है तो सप्लाई प्रभावित होती है। जो एजुकेशन और एक्सपीरियंस और स्किल के अकॉर्डिंग जो कंपनसेशन सिस्टम होता है उसके अकॉर्डिंग भी सप्लाई प्रभावित होती है। सप्लाई को फोरकास्ट करने के लिए इन सारे फैक्टर्स पर भी ध्यान देना होता है। अब आइए बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स की, जो कि ह्यूमन रिसोर्स की सप्लाई को फोरकास्ट करने में यूज़ की जाती हैं, जैसे कि ट्रेंड एनालिसिस, कॉम्पिटेंसी मॉडल, रिप्लेसमेंट चार्ट्स, स्टाफिंग टेबल, सक्सेशन प्लानिंग या सक्सेशन एनालिसिस एंड फ्लो मॉडलिंग, या फिर मार्कोव एनालिसिस। सक्सेशन एनालिसिस एंड मार्कोव एनालिसिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स ऑफ सप्लाई फोरकास्टिंग। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रेंड एनालिसिस की। ट्रेंड एनालिसिस को हमने एचआर डिमांड फोरकास्टिंग के टाइम पर भी डिस्कस किया था। ट्रेंड एनालिसिस में हम पास्ट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग, जो पास्ट में रेशियो होता है, ट्रेंड होता है, उसके अकॉर्डिंग ही एनालिसिस करते हैं, और एक पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं कि किस पैटर्न पर जा रहे, किस पैटर्न, जो ट्रेंड है वो किस पैटर्न पर चल रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं। ये सिंपलेस्ट मेथड है, या तो आप डिमांड को फोरकास्ट करने का भी और सप्लाई को फोरकास्ट करने का भी। दूसरा है कॉम्पिटेंसी मॉडल। कॉम्पिटेंसीज का मतलब होता है नॉलेज, स्किल्स और जो एटीट्यूड रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी सक्सेसफुल परफॉर्मेंस के लिए इंडिविजुअल में, उसी को कॉम्पिटेंसी कहते हैं। कॉम्पिटेंसी मॉडल में फ्यूचर में रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसी को अवेलेबिलिटी, यानी कि जो कॉम्पिटेंसी की राइट इस टाइम पर अवेलेबिलिटी है, उससे मैच करके देखा जाता है कि क्या वो मैच हो रहे हैं और कहाँ पर गैप दिखाई दे रहा है। अनदर वन इज़ रिप्लेसमेंट चार्ट।
रिप्लेसमेंट चार्ट जो होता है, लेवल की वैकेंसीज होती हैं उनको एस्टिमेट करने के लिए और ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कैसे जो पोटेंशियल वर्कफोर्स है वो इस इन वैकेंसीज को फुलफिल कर करेगी। रिप्लेसमेंट चार्ट में एम्प्लॉयज़ जो कि लोअर लेवल से हायर लेवल की जॉब्स को ऑक्यूपाई करते हैं, ये रिप्लेसमेंट चार्ट के थ्रू शो होता है, जिसका कि ह्यूमन रिसोर्स की सप्लाई को फोरकास्ट करते वक्त में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ स्टाफिंग टेबल। स्टाफिंग टेबल जो होती है वो एक ग्राफिकल व्यू होता है, जिसमें कि ऑर्गेनाइजेशन में करेंट टाइम पर जितने भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, जिस लेवल पर, जिस जॉब पर वर्क कर रहे हैं, उसको दर्शाया जाता है, और इसके साथ साथ फ्यूचर में मंथली और ईयरली बेसिस पर जो रिक्वायरमेंट होने वाली है उसको भी शो किया जाता है। तो इसका यूज़ ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई को फोरकास्ट करने में किया जाता है। नेक्स्ट है सक्सेशन प्लानिंग या एनालिसिस, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक है ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई को फोरकास्ट करने की। सक्सेशन प्लानिंग है वो एक प्रोसेस है जिसमें कि आइडेंटिफाई और ट्रैक किया जाता है हाई पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ को, जो कि फ्यूचर में जो पोजीशंस हैं, हायर लेवल की पोजीशन है, उनको फिल कर सकते हैं। सक्सेशन एनालिसिस के मेथड को इनफ्लो वर्सेस आउटफ्लो एनालिसिस भी कहते हैं, जिसमें कंपनी के अंदर जो इनफ्लो हो रहा है एम्प्लॉयज़ का और जो आउटफ्लो हो रहा है एम्प्लॉयज़ का, उसके थ्रू कंपनी में नेक्स्ट ईयर में क्या अवेलेबिलिटी होगी, क्या सप्लाई होगी एम्प्लॉयज़ की, उसका पता किया जाता है। कंपनी के किसी यूनिट में इस समय पर जितने भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, किसी भी यूनिट में जो सप्लाई होगी नेक्स्ट ईयर, उसका पता करने के लिए सबसे पहले जो करंट स्टाफिंग लेवल होता है उसका, यानी कि जो इन्वेंटरी होती है उसका पता किया जाता है। उसके बाद में जो प्रोजेक्टेड आउटफ्लो होगा दिस ईयर, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ उस यूनिट को छोड़कर जाएंगे, इसके कई रीजंस हो सकते हैं, लाइक प्रमोशन, क्विट्स, टर्मिनेशन की वजह से छोड़ सकते हैं, डिमोशन हो सकता है, रिटायरमेंट हो सकता है, डेथ हो सकती है, ले ऑफ हो सकता है। ये सारे रीज़न हैं जिस वजह से एम्प्लॉयज़ उस यूनिट को क्विट कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं। ये सारे रीज़न होते हैं जिन वजह से कि एम्प्लॉयज़ का किसी यूनिट से आउटफ्लो होता है। तो हमें जो करंट इन्वेंटरी है उसमें से आउटफ्लो का पता करना है और उसे माइनस करना है। देन जो प्रोजेक्टेड इनफ्लो होगा इस ईयर में, यूनिट में से आउटफ्लो तो हो रहा है लेकिन उसके साथ साथ इनफ्लो भी होगा, जिसके रीज़न हो सकते हैं ट्रांसफ़र, यानी कि किसी दूसरी यूनिट से ट्रांसफ़र होके एम्प्लॉय आ रहा है, या प्रमोशन, या फिर जो लोअर लेवल का एम्प्लॉय है उसको प्रमोट किया जा रहा है, न्यू हायरिंग हो सकती है, और रिकॉल्स हो सकता है, जो ले ऑफ एम्प्लॉय थे पहले उनका रिकॉल हो सकता है। तो ये सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इन होंगे जो यूनिट है उसमें, तो ये हमारे इनफ्लो का सोर्स है। तो इस तरीके से हमने जो करंट स्टाफिंग लेवल है उसमें से जो प्रोजेक्टेड आउटफ्लो है इस ईयर का उसको माइनस किया, प्लस प्रोजेक्टेड इनफ्लो जो कि हमारा इनफ्लो होगा इस यूनिट के लिए उसको ऐड कर दिया। उसके बाद में जो अमाउंट, जो नंबर आते हैं वो यूनिट की इंटरनल सप्लाई होगी फॉर दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। सक्सेशन एनालिसिस के बाद जो टेक्निक है दैट इज़ मार्कोव एनालिसिस, जिसको कि फ्लो मॉडलिंग भी कहते हैं। मार्कोव एनालिसिस की टेक्निक एंड्रेई एंड्रेविच मार्कोव के नाम पर पड़ी है, जिन्होंने इस टेक्निक को डेवलप किया। इस टेक्निक में ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स का यूज़ होता है, जिसको मार्कोव ने ही डेवलप किया था, और इसको मार्कोव मैट्रिक्स कहते हैं। इस मैट्रिक्स में जो पास्ट हिस्टोरिकल मूवमेंट्स होते हैं उनका एवरेज निकालकर एक मैट्रिक्स तैयार की जाती है, जिसके थ्रू पोजीशंस के मूवमेंट का पता लगाया जाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट पोजीशंस होती हैं, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन के मूवमेंट को ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स के थ्रू पता किया जाता है। लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन में थ्री पोजीशंस हैं, मैनेजर, सुपरवाइजर एंड लाइन वर्कर। हिस्टोरिकल मूवमेंट से ये पता चलता है कि जो मैनेजर हैं उसमें से 15% प्रत्येक साल एग्ज़िट करते हैं,
85% उसी पोजीशन पर रहते हैं, जबकि सुपरवाइज़र और लाइन वर्कर उनमें से कोई भी नहीं होता, यानी कि उनका परसेंटेज ज़ीरो है। यानी जो मैनेजर है उनका मूवमेंट सुपरवाइजरी लेवल पर या लाइन वर्कर पर नहीं है, जबकि जो सुपरवाइज़र लेवल पर वर्क कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, उनका जो एवरेज एग्ज़िट है वो 10% है। एवरेज जो मैनेजरल पोजीशन पर जाते हैं सुपरवाइज़र, दैट इज़ 15%, और जो सुपरवाइज़र लेवल पर ही रहते हैं दैट इज़ 70%। लाइन वर्कर बनते हैं 0.5%, जबकि जो लाइन वर्कर हैं उनका एग्ज़िट का जो परसेंट है दैट इज़ 20%। मैनेजरल लेवल पर जाने का परसेंट 0% है, सुपरवाइज़र बनने का 15% है, एंड लाइन वर्कर होने का, यानी लाइन वर्कर वाली पोजीशन पर ही रहने का 65% है। इस परसेंटेज के थ्रू ही जो फ्यूचर में सप्लाई होनी है, सप्लाई का फोरकास्ट किया जाता है इस मैट्रिक्स का यूज़ करके। सो दिस इज़ मार्कोव एनालिसिस टेक्निक। आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल से जुड़े रहने के लिए उसे सब्सक्राइब करें, और रिसेंट वीडियोज़ के टाइमली अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।